अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। ये अमेरिका का एयरक्राफ्ट है जो उड़ने को है, आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। कुछ अफगानी इसके ऊपर चढ़ गए, जो पिछले टायर हैं इसी तरह अगले टायर हैं उनकी प्लास्टिक के ऊपर आप देख सकते हैं गौर से। कुछ अफगानी लोग चढ़े हुए हैं ताकि ये भी अपने वतन से दूर जा सकें। और अब ये प्लेन उड़ चुका है, अब आप देखें गौर से इसमें से आदमी गिरेगा उड़ने के बाद। ये एक गिर चुका है और एक गिरता हुआ साफ साफ दूसरा अब गिरा है। ध्यान से आप इसके अंदर देखें, ये अमेरिका 20 साल पहले आया था और अब किस तरह अफगानिस्तानियों को छोड़कर जा रहा है, ये आप इसका नज़ारा कर सकते हैं। यही सबसे बड़ा कातिल है अफगानियों का। ये अपने आप को अफगानिस्तान का सबसे बड़ा हमदर्द बताया था, आज आप इसकी हालत देख सकते हैं कि अफगानिस्तानियों का इतना बड़ा हमदर्द। जो वीडियो अब आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही है इसके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये कुछ अफगानी लोग जिधर काबुल एयरपोर्ट पर अमरीकी फौजी थे उस तरफ जा रहे थे और उनके हवाई जहाज़ों की तरफ, तो अमरीकी फौजियों ने इन पर गोलाबारी कर दी जिसकी वजह से 4 से 5 लोग मारे गए। और आगे जो आप तालिबान की वीडियो देख सकते हैं, ये काबुल के अंदर अफगानिस्तान का पार्लियामेंट है, नया पार्लियामेंट जिसको हिंदुस्तान ने बनवाया था। अब तालिबान इस पर कब्ज़ा हासिल कर चुके हैं और आप देख सकते हैं स्पीकर की कुर्सी पर एक तालिबान बैठा हुआ है और ये तालिबान अब एक कार्ड दिखा रहा है जिस पर अशरफ गनी का नाम दर्ज है। अशरफ गनी के नाम को बार बार दिखा रहा है कि अशरफ गनी की कुर्सी है। ये भी काबुल एयरपोर्ट की वीडियो है, आप मुसाफिर तैयारी को देख सकते हैं कि जो लोग अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं वो किस तरह इसकी तरफ भाग रहे हैं। हर कोई सोचता है कि मैं इसके ऊपर चढ़ जाऊँ, गरचे खबर आ रही है कमर्शियल परवाज़ें फ़िलहाल उड़ नहीं रही हैं, लेकिन फिर भी ये लोग अपनी सी कोशिश कर रहे हैं। और ये कंधार का गवर्नर की बिल्डिंग है, गवर्नर हाउस, आप इसमें तालिबान को देख सकते हैं कब्ज़े के बाद कुछ खा पी रहे हैं, कुछ आराम कर रहे हैं, अपने लम्हात को जी रहे हैं काफ़ी अरसे बाद। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल राशिदी न्यूज़ सब्सक्राइब ना किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। बेल आइकन को दबा लें। Thank you.